भाई वीवो मोबाइल का लॉक खोल सकते हो क्या? पैटर्न लॉक पड़ा है, कोई है दुकान में? वीवो मोबाइल में पैटर्न लॉक पड़ा है, आप खोल दोगे क्या? कितना पैसा खर्चा होगा? देखो पैटर्न लॉक पड़ा है, कितना पैसा खर्चा होगा? तो आप भी ऐसे जाके किसी भी दुकान में घुस के बोलते होंगे कि भाई मेरा वीवो मोबाइल में लॉक पड़ गया है, कितना पैसा खर्चा होगा और कितना पैसा में मेरा अनलॉक हो जाएगा, डाटा बचेगा कि नहीं, आप लोग भी जाके बोलते होंगे। तो ये तो भाई मेरा दुकान है, मैं आपको खाली एक ट्रेलर दे रहा था। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी वीवो मोबाइल का लॉक आप घर में कैसे खोल सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वीवो Y71 का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वीवो कोई भी वीवो मोबाइल का लॉक आप घर में कैसे तोड़ सकते हो। मतलब अगर आप अपना मोबाइल का लॉक डाल के भूल चुके हो, या तो आपका बच्चा ने मोबाइल लेके कुछ भी पैटर्न डाल दिया है या तो पासवर्ड डाल दिया है और आप उसका लॉक नहीं तोड़ पा रहे हो कोई भी वीवो मोबाइल का, तो आप उसका लॉक कैसे घर में तोड़ सकते हो। दूसरा चीज है, क्या आप लॉक तोड़ते टाइम आपका डाटा बचा सकते हो, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटली डिटेल्स भी बात करूंगा, एकदम वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे आप समझ नहीं पाओगे और आप अपना मोबाइल को अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको आखिरी में नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ये वीडियो देख के आप अपना मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो। तो क्या करना है, चलिए मोबाइल के ऊपर देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल में पैटर्न लॉक पड़ा है और ये वीवो का Y71 है। तो हम इसको अनलॉक करने के लिए पहले इसको हम मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखिए मैं स्विच ऑफ कर लिया। अभी एक छोटा सा बात आपको बताऊंगा कि क्या आप इसका डाटा बचा सकते हो। अगर आपका वीवो का Y71 है या तो वीवो का A to Z कोई भी मोबाइल है, क्या आप इसका लॉक खोलते टाइम डाटा बचा सकते हो क्या? देखिए हाँ भी है और ना भी है। हाँ भी इसलिए कि इसका एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि खरीदना पड़ता है, और लेकिन इसका पैटर्न लॉक तोड़ने के लिए जहाँ पे नॉर्मली किसी दुकान में या तो आप घर में इसको तोड़ने के लिए नॉर्मली हार्ड रीसेट करके या तो कोई भी ट्रिक, जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक करके आप इसको अनलॉक कर सकते हो, उस ट्रिक में तो डाटा नहीं बचेगा। लेकिन अगर डाटा बचाना है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि इसको हम अनलॉक कैसे करें, कोई भी वीवो मोबाइल का लॉक अनलॉक कैसे करें। देखिए अभी हम इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक में ये मोबाइल अनलॉक होगा। देखिए इधर आ गया फास्ट बूट मोड, इधर आपको वॉल्यूम माइनस बटन दबाना है एक बार, रिकवरी मोड में जाना है और पावर बटन दबाना है। देखिए मैंने इसको रिकवरी मोड में एंट्री कर लिया। तो एकदम स्किप मत करना, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा और अपना मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाओगे, तो एकदम स्किप मत करना। देखिए थोड़ा देर टाइम लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका चार्ज खत्म हो गया है क्या मुझे वो भी नहीं पता है। ये तो टाइप सी नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ चार्जिंग लगाने का, देखते हैं। लगभग चार्ज खत्म हो गया है, जी हाँ चार्ज खत्म हो गया। तो चार्ज लगा के हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आपका चार्ज नहीं है तो 30% 40% चार्ज मिनिमम रखो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आ गया, ये डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, चार्ज नहीं था बोल के नहीं आया था, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम का माइनस बटन एक बार प्रेस करना है, वाइप डाटा पे जाके पावर बटन पे ओके कर देना है। देखिए ऐसे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है और इधर आपको वाइप डाटा दिख रहा है, इसके ऊपर आपको पावर बटन में ऐसे प्रेस करना है। देखिए इधर पैटर्न लॉक मांग रहा है, पैटर्न लॉक मांग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है इधर, मतलब ये मोबाइल हार्ड रीसेट नहीं होगा। तो इधर आपको क्या करना है, बैक आना है और इधर आपको रीबूट कर लेना है, इधर आपको मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो उसके बाद हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब कोई भी वीवो मोबाइल अनलॉक कैसे करोगे। वीडियो में देखते रहो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए आपको कोई भी दूसरा एक मोबाइल ले लेना है, कोई भी दूसरा मोबाइल, सोच लीजिए मैं ये मोबाइल ले लिया, या तो कोई भी A to Z कोई भी दूसरा मोबाइल ले लेना है, ठीक है। मैं आपको आईफोन में दिखा रहा हूँ, इसमें देख लीजिए मैं दिखाता हूँ। उसमें आपको क्रोम खोलना है, क्रोम खोलने के बाद इधर आपको टाइप करना है फाइंड माई, FIND फाइंड माई फोन या तो फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई फोन होने से भी चलेगा, फाइंड माई फोन। देखिए इसमें इंटरनेट ऑन नहीं है, मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फाइंड माई फोन आया, फाइंड माई
फोन आई क्लाउड दिखा रहा है, हमारा आई क्लाउड का नहीं चाहिए। फाइंड माई डिवाइस गूगल, इसको आपको क्लिक करना है अगर आपको आईफोन में क्लिक करना है तो। देखिए इसमें मेरा जो जीमेल आईडी है दिखा दिया कि मेरा ओप्पो रेनो 5 प्रो है, और ये दिखा भी देगा क्योंकि अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में है जिसमें वीडियो बन रहा है। तो आपको इधर क्या करना है, आपको मॉडल नंबर चूज करना है, या तो आपको इधर इधर आएगा, देखिए इधर जो है ये देखिए इस जगह में आपको आपको अपना जो भी जीमेल आईडी है, आपका जो जीमेल आईडी है इधर अकाउंट में ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे मोबाइल नंबर और मोबाइल आ जाएगा, आपका मोबाइल आ जाएगा, और इधर नीचे आएगा इराइज डिवाइस, इस मोबाइल का जीमेल आईडी इधर रजिस्टर करना है, तभी जाके इधर ऐसा आएगा और आपका मॉडल नंबर आ जाएगा और इधर आएगा इराइज डिवाइस। जैसे ही आपके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करोगे और एक बार आएगा कन्फर्म, कन्फर्म में पासवर्ड मांगेगा, देखिए इधर एंटर पासवर्ड, पासवर्ड दे देना, नेक्स्ट करना, आपका मोबाइल बिना हाथ लगाए ही अनलॉक हो जाएगा, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी बनाया हूँ जिसमें कि ऑलरेडी दिखाया है कैसे हार्ड रिसेट होता है, कैसे अनलॉक मतलब बिना हाथ लगाए हार्ड रिसेट होता है। तो आप इसको ऐसे करके आपका मोबाइल को हार्ड रिसेट करके मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।